हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके करियर रेडीमेंट्स के एक और वीडियो में। ये हमारे डेली वोकैब डाइजेस्ट का एक और वीडियो है और इससे हम वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि यूजुअली आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वोकैबुलरी की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन आते हैं। एक तो है आपका सिनोनिज्म जो कि है आपके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप सारे वीडियोस कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, सिमिलर मीनिंग हमको निकालना है। तो बोला क्या गया है, बैरन। तो यूजुअली बैरन का मतलब क्या होता है, अगर आप सुनते हो कि बंजर जमी, आपको पता होगा कि जहाँ पे कोई उपजाऊ धरती नहीं, कि जहाँ पे कुछ फर्टिलिटी नहीं है, वहाँ पे कुछ क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते, तो ऐसे जमीनों को बोला जाता है बैरन लैंड। ठीक है, तो बैरन का मीनिंग क्या होता है, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन। ठीक है, बंजर जिसको हिंदी में कहते हैं, तो बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो इससे सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव जिससे कुछ प्रोडक्शन ना हो, एरिड। एरिड वर्ड बहुत ही एक मतलब अच्छा वर्ड है, आपके डिजर्ट के लिए यूज किया जाता है, कि मतलब जो भी डिजर्ट्स है उनके लिए एरिड वर्ड यूज किया जाता है, कि वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, डेजोलेट। ठीक है, अनफ्रूटफुल, तो ये सब आपके सिमिलर वर्ड्स है। तो इधर पे देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल। तो देखिए जाहिर सी बात है इसका आंसर सी होगा, बट एक मीनिंग इसमें देख लेते हैं कि होलसम का मीनिंग क्या है। होलसम का मीनिंग है कि ये दर्शा रहा है, मतलब होलसम मीन समथिंग विच इज शोइंग गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, समथिंग विच सजेस्ट गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेलबींग, हिंदी में जैसे बोलते हैं पौष्टिक। ठीक है, कि होलसम फूड, इट्स अ होलसम न्यूट्रिशन, कि ऐसा कुछ न्यूट्रिशन आप ले रहे हो जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशन आपको वहां पे मिल रहा है, सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब एडिक्वेट मतलब मात्रा में आपको मिल रहा है, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं होलसम। ठीक है, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल का मतलब होता है जिसमें मुनाफा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इधर एक ही आंसर बन के आ रहा है, वो है आपका अनप्रोडक्टिव। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। अगला वर्ड है इनफेमी। तो इनफेमी का देखिए, अगर आप इससे एक वर्ड बहुत क्लोज है, अगर आप ध्यान दो, इनफेमस, तो फेमस का ऑपोजिट होता है इनफेमस। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड आता है, उसका जो नाउन है इनफेमस है आपका एडजेक्टिव, और इस क्वालिटी को बोला जाता है इनफेमी। तो इनफेमी का मतलब है कि मतलब बदनाम, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, किसी गंदे मतलब क्वालिटी के लिए या कुछ गंदा काम किया है किसी ने, उससे जाना माना होना मतलब लोगों के बीच में, तो उसको बोलते हैं इनफेमी। ठीक है, हिंदी में सिंपली जिसको हम बोलते हैं बदनामी। तो सिमिलर वर्ड्स क्या है इसका, देखिए नोटोरियटी जो कि ऑलरेडी ऑप्शन में है, बहुत ही यही आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसमें है नहीं। डिसरिप्यूट, आपका रिप्यूट का मतलब होता है कि अच्छा रिप्यूटेशन जिसको मिला हुआ है, वो जो क्वालिटी है अच्छा रिप्यूटेशन मिलना, रिप्यूट होता है वो, तो उसका ऑपोजिट है डिसरिप्यूट। डिसग्रेस, स्कैंडल, डिसऑनर, शेम। ठीक है, तो ये इसके सिमिलर वर्ड्स है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि आंसर नोटोरियटी होगी, बट हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब ये होता है कि बहुत मैग्निफिसेंट। ठीक है, महिमा जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज अ ग्लोरियस इवेंट, दिस इज अ ग्लोरियस फिल्म, दिस इज अ ग्लोरियस शॉट। तो किसी भी चीज़ में जिसमें ऑनर मिले या बहुत उसमें मान मिले या वो बहुत ही अद्भुत है, तो ऐसे चीज़ों को बोला जाता है ग्लोरी। ठीक है, जैसे राजा महाराजाओं का ग्लोरी हुआ करता था। इंटीग्रिटी का मतलब है कि अखंडता, कि आप किसी मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करते हो या आप ऑनेस्ट हो। जैसे आप ऑफिस में कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जो कि चीटिंग हो। ठीक है, तो ऐसे जो क्वालिटी होता है, इस क्वालिटी को बोला जाता है इंटीग्रिटी। फैमिलियरिटी का मतलब है जान पहचान होना, कि क्लोज एक्वेंटेंस विथ और नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को अच्छे से जानना या किसी दूसरों के साथ जान पहचान होना। ठीक है, तो जो बंदे को सब जानते हैं या जो बंदा सब कुछ जानता है, तो उस बंदे को बोलते हैं फैमिलियर। ठीक है, तो इसका नाउन होता है फैमिलियरिटी, मतलब परिचित। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर होगा नोटोरियटी। ठीक है, नोटोरियटी से एक वर्ड एक और याद रखिए, नोटोरियटी आपका होता है नाउन। ठीक है, तो इसका जो एडजेक्टिव होता है, जो बंदा जो ये क्वालिटी प्रोसेस करता है नोटोरियटी वाला, उसको बोलते हैं नोटोरियस। ठीक है, जैसे इनफेमी का होता है इनफेमस, वैसे नोटोरियटी का होता है नोटोरियस। चलिए इंट्रेपिड, तो इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है,
फियरलेस, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। बहुत एडवेंचरस टाइप के जो बंदे होते हैं कि जैसे बंगी जंपिंग कर ली, कुछ और स्पोर्ट्स कर लिया, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि निडर वाला जाके किसी को पुलिस को चलिए कुछ गंदा चीज़ बोल के भाग गया वहाँ से, तो ये सब चीज़ होता है कि जिस बंदे को कोई डर नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या बोलते हैं, क्या हो सकते हैं, डॉन्टलेस, बोल्ड, डेयरिंग, ऑडेशियस, स्पिरिटेड, इनडोमिटेबल, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखिए, अगर आपको कभी ऑप्शंस में ये सारे वर्ड मिले इंट्रीपिट्स के साथ में, तो या तो ऐसे सिंपली यही वर्ड लेके आपको क्वेश्चन आए तो इन सब का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो देखिए इसमें से, देखिए इनडोमिटेबल का मतलब मैं बता देता हूँ। डोमिटेबल अगर आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो तो इससे एक वर्ड निकल के आता है, डोमिनेट करना। तो जिसको आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसको आप दबा के नहीं रख सकते, उसका मीनिंग होता है इनडोमिटेबल, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि हेजिटेंट, फियरलेस, एक्स्ट्रोवर्ट, रैश, ठीक है। तो जाहिर सी बात ही इधर हमारा आंसर फियरलेस ही होगा, बट सबकी मीनिंग देख लेते हैं। हेजिडेंट मतलब कि किसी चीज़ को करने में थोड़ा स्लो या हिचकिचाना, जिसको हम बोलते हैं ना कि संकोच में, कोई काम मुझे करना है बट मैं संकोच में वो काम कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है, तो उनको बोलते हैं हेजिटेंट, ठीक है, यानी संकोच। फियरलेस का मतलब तो आपको ही पता है कि निडर। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो अपने विचारों को खुल के सबके साथ बयां करता है, सबके साथ अच्छे से मिक्सअप होता है, बहुत मतलब खुला खुला, तो ये जो बंदे होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ये वर्ड भी आप याद रखिए, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग, अ पर्सन की जो ज़्यादा खुलते नहीं हैं, खुल के लाते नहीं है खुद को दुनिया के सामने, वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, उनके दिमाग में जो चलता है वो बाहर नहीं बयां करते, तो इन लोगों को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब सबके साथ मिलजुल जाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। रैश का मतलब है कि केयरफुल नहीं होना, जैसे रैश बिहेवियर क्या होता है कि मैं ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं केयरफुल नहीं हूँ, सोच नहीं रहा हूँ मैं करने से पहले कि इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके आने वाले क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट, कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसका परिणाम क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का ये मीनिंग होता है। तो रैश का मतलब होता है कि ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ जो विदाउट आप कोई केयर, विदाउट सोचे समझे कुछ ऐसा कर रहे हो कि इसका परिणाम बाद में क्या होगा, तो इन चीजों को बोला जाता है रैश, ठीक है। तो इधर पे ऑब्वियसली देखिए रैश बहुत क्लोज जाता है, बट रैश इसका सही आंसर नहीं होगा, एकदम क्लोजेस्ट मीनिंग है फियरलेस, ओके। अगला वर्ड है प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा बंदा कि जो खर्च करने से पहले बिल्कुल सोचता नहीं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली वो खर्च कर रहा है, मतलब एक बार भी नहीं सोच रहा है कि आज ये जो मेरे पास पैसा है वो शायद से मेरे पास बाद में काम आए, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बस दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है मनी। तो वन हु स्पेंड्स मनी और रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली, यानी कि खर्चीला, ठीक है, इसी का मतलब है प्रोडिगल। तो इससे सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, ये बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, सेम मीनिंग है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, ओके। तो और तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है, एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश, केयरफ्री, एक एक का मतलब देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि जैसे आप ये वर्ड बहुत आप सुने होंगे अपने रियल लाइफ में ही, एक्सक्लूसिव का मतलब जैसे होता है कि व्यक्ति विशेष या जगह विशेष, कि मतलब उसी के लिए वो लिमिटेड है। जैसे आप सोचो कि आप कहीं पे खरीदारी करने जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं कि जो बंदे इस कार्ड को होल्ड कर रहे, ये कोई स्पेसिफिक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहे हैं, तो ये ऑफर एक्सक्लूसिवली उनके लिए है, ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। या तो ऐसे हो सकता है कि जैसे सोचिए कोई नौकरी का इंटरव्यू लगा है, ठीक है, बट बोला गया है कि उस इंटरव्यू में सिर्फ वुमेन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो होता है कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है विशेष। एक और मतलब है एक्सक्लूसिव का कि जैसे सोचिए आप पैसा कुछ चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, आप होटल में सपोज खाना खाने गए हो, तो वहाँ पे एक होता है कि उसका जो बेसिक प्राइस है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो जब हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब विदाउट टैक्स जो पैसा है वो होता है एक्सक्लूसिव, और जब उसमें हम टैक्स लगा देते हैं तो वो हो जाता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो एक्सक्लूसिव को ऐसे मीनिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉट इंक्लूडिंग या एक्सेप्टिंग।
प्रोडक्टिव का मतलब है कि जिससे हम वो उत्पादक है कि जिससे हमको कोई मुनाफा हो रहा है या जहाँ से हमको बहुत सारा मतलब क्रॉप्स ग्रो हो रहा है वहाँ पे बहुत जैसे बैरन में हमने बात किया था बैरन वाले वर्ड में कि बंजर जमीन था तो ऐसा जमीन जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ठीक है। तो प्रोडक्टिव का मतलब है उत्पादक। एक और मतलब है जो कि अचीविंग और प्रोड्यूसिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट और रिजल्ट, कोई ऐसा आप काम कर रहे हो जिससे आपको बहुत मुनाफा हो रहा है या बहुत बेनिफिट हो रहा है। जैसे अगर आप ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो ये आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, इससे आपको नॉलेज बढ़ रहा है ठीक है, आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो रहा है। पर इसी टाइम पे अगर आप यूट्यूब में कुछ उल्टा सीधा चीज़ देख रहे हो जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है तो वो आप कर रहे हो क्या, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो। ओके, अगला वर्ड है लेविश। लेविश का मतलब है कि बहुत ही भव्य, कि सम्पचुअसली रिच एलेबोरेट और लग्जूरियस, कि बहुत हम जैसे बोलते हैं कि इट्स अ लेविश हाउस, इट्स अ लेविश होटल, तो इन चीज़ का मीनिंग होता है कि लेविश भव्य, जिसमें बहुत खर्चा करके बहुत अच्छे से उसको बनाया गया कि उसमें सारी सुख सुविधाएँ वहाँ पर मौजूद है ठीक है। केयरफी का मतलब है कि बिना सोचे समझे, मतलब जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना फिक्र नहीं है, उसको कोई डर से कोई मतलब नहीं है, वो एकदम फ्रीली काम करता है, उसको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लापरवाह। तो देखिए इनमें से जितने भी सारे ऑप्शंस है तो थोड़ा बहुत क्लोज लेविश जाता है, पर इसका आंसर होगा आपका केयरफ्री ठीक है। लेविश हम यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए कि कोई लाइफस्टाइल के लिए कि ही लीड्स अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल, बट केयरफ्री इधर पे सही आंसर होगा। ओके, केयरफ्री का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगला है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया हुआ है, परस्पिक्यूस। तो परस्पिक्यूस का मतलब होता है कि जिसको आसानी से समझा जा सकता है, मतलब इजीली अंडरस्टूड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजीली अंडरस्टूड, जिसको आसानी से समझा जा सकता है ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, एपरेंट, ऑब्वियस, ल्यूसिड, क्लियर, ट्रांसपेरेंट ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड्स है। तो ये वर्ड्स भी आप थोड़े पढ़ लेना कि जब हम इस मीनिंग को बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड और वर्ड्स भी आपके कवर हो जाए ठीक है। तो ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं। रिलेवेंट, तो रिलेवेंट का मतलब होता है जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी की ठीक है। तो अगर मैं इधर पर कोई बंदा इधर मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो क्या हुआ, इस सिचुएशन में वो सही क्वेश्चन नहीं है ठीक है। अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इसमें वोकैबुलरी आपका रिलेवेंट टॉपिक है ना। जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्योमेट्री एलजेब्रा आपका रिलेवेंट टॉपिक है। तो रिलेवेंट का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड और अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज बीइंग डन और कंसीडर्ड, मतलब प्रासंगिक, मतलब जो जिसके बारे में बात हो रहा है उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक को आप बात करो तो वो होता है रिलेवेंट ठीक है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि अच्छे से कोई डिटेल को अच्छे से उसका अच्छा डिटेल, मतलब जिससे आपको वो समझ में आ जाए ठीक है। जैसे आपने किसी दोस्त को पूछा कि मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा, उस जगह का थोड़ा डिटेल मुझे दो, तो दो तरह के दोस्त हो सकते हैं कि जो गए हैं घूमने बट आपको अच्छे से डिटेल नहीं दे पा रहे ठीक है। पर कुछ दोस्त होते हैं कि वो बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे भ्रमण किया है तो वो आके आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि हाँ इधर पे ये मिलेगा, इधर वो है, ये जगह ऐसा दिखता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रिसाइज ठीक है। एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड केयरफुल अबाउट डिटेल्स, मतलब सटीक। ब्रीफ का मतलब है बहुत, मतलब छोटा, जैसे ब्रीफ ड्यूरेशन हम बोलते हैं कि बहुत कम समय के लिए, जैसे आप बहुत कम समय के लिए अगर स्टडी करते हो, पूरे दिन में सपोज आप बस 10 मिनट पढ़ते हो तो ये होता है कि यू आर स्टडिंग फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन फॉर द डे। और ब्रीफ का एक और मीनिंग होता है कि कंसाइज स्टेटमेंट, जो हमने बोला था कि प्रिसाइज मतलब एक्यूरेटली सब कुछ समझा रहा है, ब्रीफ का है कि ऊपर ऊपर से एक छोटा सा स्टेटमेंट देके समझा दिया या संक्षिप्त में समझा दिया कि मेरे को भाई पूरा डिटेल्स मत बताओ, मेरे को शॉर्ट में बता दो कि इसका क्या होना है, तो इसको भी हम ब्रीफ के ये इसके लिए भी हम ब्रीफ वर्ड को यूज करते हैं। और क्लियर का मतलब तो आपको पता ही है कि साफ साफ, तो यहाँ पे देखिए दो आंसर थोड़े कंफ्यूजिंग है, प्रिसाइज और क्लियर, बट इसका सटीक जो आंसर है, क्लोजेस्ट ऑप्शन है, वो है आपका क्लियर। ओके, देखिए प्रिसाइज आपका एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली अंडरस्टूड हो ठीक है। तो क्लियर इसका सही आंसर होगा।
चलिए अब हमारा सिनोनिम्स खत्म हो गया, हम मूव करते हैं एंटोनिम्स की तरफ, मतलब विलोम शब्द। तो चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो लिबर्टी बहुत ही इजी वर्ड है। लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम, कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन में नहीं रख सकता, इस चीज का मतलब होता है लिबर्टी। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता आप सीधे भाषा में बोल सकते हो। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, इंडिपेंडेंस, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी आपका थोड़ा यूज किया जाता है पैसों के मामले में, कि किसी को ऑटोनोमी मिला हुआ है, मतलब वो अपने वहां का फिनेंस खुद से देख सकता है, वहां फिनेंस सब कंट्रोल खुद से कर सकता है, तो इसका मीनिंग होता है ऑटोनोमी। सॉवरेनिटी मतलब बाहर वाला आके कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मीनिंग होता है सॉवरेनिटी। और फ्रीडम, ठीक है, तो इधर पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। सीरेनिटी, तो सीरेनिटी का मतलब होता है, अगर आप ये वर्ड सुने हो कभी, सीरेन, सीरेन का मतलब होता है कि काम, शांत, तो सीरेनिटी का मतलब होता है शांति। तो ये हम यूजुअली मतलब जगह के लिए यूज करते हैं, कि जैसे सोचो आप किसी नदी किनारे बैठे हो, बिल्कुल शांत, कोई ट्रैफिक की शोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे जगह को बोलते हैं सीरेन प्लेस। तो उसका जो क्वालिटी होता है उसको बोला जाता है सीरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, ठीक है, शांति। स्लेवरी का मतलब आप सब जानते हो, कि किसी को गुलाम बना के रखना, तो ये द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, अगर कोई बंदा गुलाम बना हुआ है तो वो सिचुएशन होता है स्लेवरी का सिचुएशन, ठीक है, गुलामी। अगला वर्ड है सर्फडम। तो सर्फडम भी एक टाइप ऑफ स्लेवरी है। तो ये बेसिकली क्या, रशिया में इसका बहुत, रशिया में ये यूज होता था, सर्फ जो बोलते हैं, तो ये इसका मतलब है फ्यूडल लेबरर। तो फ्यूडल लेबरर का मतलब क्या है, कि ये जो स्लेव है वो किसी व्यक्ति के अंडर नहीं है, मतलब कोई इंसान तो उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई मतलब मास्टर उसको कंट्रोल कर रहा है, बट ये किसी लैंड से रिलेटेड है, किसी जमीन से रिलेटेड है, उस रीजन से रिलेटेड है। तो इनको कोई बंदा ऐसे ही सेल नहीं कर सकता दूसरे बंदों को, मतलब सेल अभी तो ये सब है नहीं, पहले के दिनों, पहले के मतलब 18th century 17th century की बात है ये सब। तो एक सर्वडम जो थे वो लैंड से रिलेटेड होते थे, तो सपोज लैंड का मालिक चेंज हो गया तो अब वो दूसरे मालिक को सर्व करेगा, तो इस चीज का मतलब होता था सर्वडम, ठीक है। सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आप पहला जो मतलब अपर लेवल आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, जैसे एक बॉस है, ठीक है, अब बॉस के अंडर पे एक और बंदा है जो कोशिश भी नहीं कर रहा है कि आगे आए, वो हमेशा मतलब सबमिसिव ही रह रहा है, कि हाँ बॉस आप जो बोल रहे हो आप ही सामने रहो। हो सकता है कि उसी का आइडिया है, वो कुछ आइडिया दे रहा है काम करने का, बट वो बॉस को बता रहा है कि हाँ आप ही करो, मेरे पे उतना कॉन्फिडेंस, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो किसी का सबॉर्डिनेट बन के रहना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबॉर्डिनेशन, इस क्वालिटी को बोलते हैं सबॉर्डिनेशन, यूजली द क्वालिटी ऑफ ओबीडियंट सबमिसिवनेस, ठीक है। एक और इसका वर्ड है, मतलब एक idiom है इसका, याद रखो, सेकेंड फिडल। सेकेंड फिडल मतलब वही होता है कि आप सबॉर्डिनेट हो, ओके? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्लेवरी, ठीक है, सर्फडम नहीं होगा, क्योंकि सर्फडम एक जनरलाइज टर्म नहीं है, स्लेवरी आपका जनरलाइज टर्म है, सर्फडम एक टाइप ऑफ स्लेवरी है, ठीक है। अगला वर्ड है डिसऑर्डरली। तो डिसऑर्डरली देखिए आपको नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर मतलब सही, मतलब सही से ऑर्गेनाइज्ड होना, ठीक है, ऑर्डरली मतलब जो सही से सजाया गया है। तो डिसऑर्डरली का मतलब क्या है, जो सही से सजाया नहीं गया है, ठीक है, मतलब लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अनटाइडी, जो मतलब अव्यवस्थित, सिंपली वर्ड है ये, अव्यवस्थित। तो लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड, मेसी, जम्बल्ड, कंफ्यूज्ड, लिटर्ड, लिटर्ड मतलब इधर उधर फैला हुआ। तो अब देखिए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है कैओटिक, तो कैओटिक जो वर्ड है वो आपका आ रहा है कियोस, कैओस से। तो कैओस का मतलब क्या है, कि बहुत कंफ्यूजन होना, कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है तो किसी को कोई आइडिया नहीं कि हो क्या रहा है। तो कैओटिक ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें देर इज अ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, अराजकता जिसको हम बोलते हैं, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यूजुअली हम ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन या ऐसे सिचुएशन में, कि मतलब बहुत भगदड़ मच गई है एक जगह पे कुछ, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कैओटिक। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपको पता है कि सही से मतलब सब अरेंज किया हुआ, ठीक है, तो अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल,
ये व्यवस्थित, जैसे हम कंपनीज में यूज़ करते कि एक मतलब कंपनी बहुत अच्छे से उसको मेंटेन कर रहा है, कोई वहाँ पे सही हायरार्की में बॉस है, उसके नीचे फिर तीन लोग काम कर रहे हैं, उसके नीचे फिर अलग से टीम है, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, तो ये कंप्लीट चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक वे में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टेड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो है कि आप उस चीज़ को मूव कर रहे हो या हिला रहे हो अपनी जगह से कि ताकि जो ज़रूरत है, जो डिज़ायर्ड फिट है या अपेयरेंस जैसा दिखना चाहिए, जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उसके लिए आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है कि इंसान, मतलब इंसान के सेंस में हम बोल रहे हैं, पर्सन के सेंस में, कि किसी नए सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल देना, कि जैसे बोलते हैं कि आप सिटी बदल रहे हो, ठीक है, या दूसरे देश जा रहे हो, तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब आप वहाँ जाके एडजस्ट कर रहे हो कि वहाँ के जो तौर तरीके हैं उनके हिसाब से रहने के लिए, तो इस चीज़ के लिए भी हम एडजस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अरेंज मतलब है कि सही से, मतलब सुलझा हुआ है सब, कि पुट इन अ नीट अट्रैक्टिव और रिक्वायर्ड ऑर्डर, ठीक है, व्यवस्थित। देखिए तो इधर दो वर्ड बहुत क्लोज है, ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड, बट इसका सबसे बेटर मीनिंग होगा ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, क्योंकि जब डिसऑर्डरली की बात करते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है पूरा, बहुत फैला हुआ, और बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्गेनाइज्ड भी बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड ही इसका सही आंसर होगा, प्रॉपर इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगला वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन आपके आता है हाइट से, मीनिंग हाइट के मीनिंग से आपका आता है एलिवेशन, ठीक है। तो एलिवेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ के अमाउंट में या लेवल में बढ़ोतरी होना, ठीक है, या तो किसी क्वालिटी में भी बढ़ोतरी होना, कि जैसे आप सोचिए अभी कुछ काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल गया, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज़ बीन एलिवेटेड टू द नेक्स्ट पोस्ट, ठीक है, यानी अपग्रेडेशन होना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, प्रोमोशन, अपग्रेडिंग, एडवांस, इंक्रीज, ग्रोथ, ठीक है। चारों ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है, रिडक्शन, ह्यूमिलिएशन, डिप्रेशन और डिबेसमेंट। तो मीनिंग देख लेते हैं, देखिए रिडक्शन का मीनिंग आपको पता है, किसी चीज़ का वैल्यू कम करना, ठीक है, या किसी चीज़ का क्वांटिटी कम करना, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, घटाना। ह्यूमिलिएशन का मतलब है किसी का इंसल्ट करना, सबके सामने अपमान करना, ठीक है, तो इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट स्पेशली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ठीक है, अपमान करना सबके सामने, इस चीज़ को बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। डिप्रेशन का देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, आप डेली लाइफ में ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं कि उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो बहुत डिप्रेशन में चला गया, कि बहुत डिजेक्टेड फील कर रहा है, वो बहुत दुखी फील कर रहा है इस चीज़ से, कि उसको अब मतलब डीमोटिवेटेड हो गया, उसको कोई इंकरेजमेंट ही नहीं मिल रहा है कि मैं आगे का कुछ काम करूं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। डिबेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के क्वालिटी या वैल्यू को रिड्यूस करना, ये यूजुअली आपके पैसों के क्षेत्र में ये वर्ड यूज होता है, कि जैसे गोल्ड का वैल्यू डिबेस हो गया, ठीक है, गोल्ड या कोई डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो ये होता है डिबेसमेंट। तो यहाँ पे दो वर्ड कन्फ्यूजिंग है, रिडक्शन और डिबेसमेंट में से कि कौन सा आंसर होगा, बट क्लोजेस्ट आंसर है इसका रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि एलिवेशन हम सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, एलिवेशन आपके लाइफ के चीज़ों में भी बोल सकते हैं, पैसों के चीज़ों में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये एक मोटा मोटा जनरलाइज टर्म है, तो डिबेसमेंट हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, डिबेसमेंट यहाँ टिक नहीं करेंगे, इसका आंसर होगा रिडक्शन। अगला वर्ड है ग्लॉसी, बहुत ही मतलब सिंपल सा वर्ड है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। ग्लॉसी का मतलब है कि कुछ चीज़ बहुत शाइनी और मतलब चमकदार चीज़ को हम बोलते हैं ग्लॉसी, ठीक है, शाइनी एंड स्मूथ। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है, शाइनी, ग्लीमिंग, लस्ट्रस, स्पार्कलिंग, ब्राइट, ठीक है, वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, शाइनी का मीनिंग आपको पता ही है, ग्लीमिंग और लस्ट्रस जो वर्ड है उस पर थोड़ा आप लिख लीजिएगा नोट्स पे। तो इसके देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, डल, शाइनिंग, वेरी, टायर्ड। तो डल के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डल हम बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो क्या है कि सुस्त आदमी, कि डल है वही, तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, या तो कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, जैसे सोचिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, पूरा एक वन साइडेड मैच हो गया है, तो मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें देखने को, इंटरेस्ट आपको तभी आएगा कि उसमें कुछ एक्साइटमेंट हो, कि उसमें फाइट हो रहा है उस चीज़ में, या मतलब बहुत कंपटीशन है, ये देख के भी मज़ा आ रहा है कि हाँ कैसा अच्छा मैच चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन अगर नहीं होता है तो उनको बोला जाता है डल, कि जिसमें जिसको देख के या जिसमें कोई इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। एक डल का मतलब होता है कि ब्राइट नहीं है, ठीक है, मतलब जो चमकीला हम चीज़ बोल रहे हैं, अगर वो नहीं है, मतलब दिखने में ही बहुत ब्राइटनेस उसका बहुत कम है, कि अच्छे मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, फीका फीका दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है डल। एक और डल का मीनिंग होता है कि मतलब जिस बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिंपल भाषा में स्टूपिड, ठीक है।
अगला है शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब आपको पता है कि जो चमकता है। वेरी का मतलब है कि जो थका हुआ है, ठीक है, कि बहुत मतलब एक्सेसिव उसने कुछ काम कर लिया या बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, तो अब क्या हो गया है, वो वेरी हो गया है कि अब वो कम्प्लीटली टायर्ड हो चुका है, अब उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और टायर्ड का मीनिंग भी आपको पता है कि थक गया, तो इसका आंसर क्या होगा, डल, ठीक है। डल का जो सेकेंड वाला मीनिंग है कि लैकिंग ब्राइटनेस, वही इसका प्रॉपर एंटोनिम होगा। अगला वर्ड है एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट का मीनिंग मुझे लगता है आप सभी को पता है। एप्रोप्रिएट मतलब कि एकदम सटीक, उस सर्कमस्टेंसेस, उस स्थिति में सटीक, सुटेबल और प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस, या तो हम बोलते उपयुक्त। तो सिमिलर वर्ड्स क्या है इसमें, सुटेबल, प्रॉपर, एप्ट, बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इस एप्ट का भी वही मीनिंग होता है कि उस सर्कमस्टेंसेस में, यानी उस स्थिति में जो सटीक है, उपयुक्त जो है उसको बोलते हैं एप्ट, रिलेवेंट, ठीक है। तो और ऑप्शंस कौन कौन से हैं, डिससिमिलर, इनकम्पेरेबल, अनसुटेबल और डिस्परेट। तो डिससिमिलर का मतलब है कि जो सिमिलर नहीं है, सिंपली सिमिलर का ऑपोजिट है कि डिफरेंट है, भिन्न। इनकम्पेरेबल है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, कि जैसे सोचिए मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो क्लास में कोई बंदा है कि भाई वो तो 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, अब मैं घर आया, मेरे पापा मेरे को बोल रहे हैं कि उसको देखो, तो मैं वहाँ पे बोलता था कि पापा आप किसके साथ मेरे को कंपेयर कर रहे हो, उसको देखो आप, उसको मिलता है 99, मेरे को मिलता है 70 के लाइन में, तो कहाँ से, वो इनकम्पेरेबल है मेरे हिसाब से। तो ये इस चीज़ को बोलते हैं अतुलनीय, ठीक है, कि वो इतना अच्छा क्वालिटी में है कि मैं उससे तो भाई मैच ही नहीं कर पाऊँगा। चलिए अगला वर्ड है अनसुटेबल, अनसुटेबल मतलब नॉट फिटिंग, जो एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, अनुपयुक्त। तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, पर डिस्परेट वर्ड का मीनिंग भी हम देख लेते हैं। डिस्परेट का है कि वही डिफरेंट इन काइंड, कि जो ऐसा कुछ अलग चीज़ है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते उसका, ठीक है। थिंग्स सो अनलाइक दैट देयर इज नो बेसिस फॉर कंपेरिजन, ठीक है, थिंग्स सो अनलाइक दैट देयर इज नो बेसिस फॉर कंपेरिजन, तो इसका मतलब है डिस्परेट। तो इसका आंसर होगा आपका अनसुटेबल। तो इसी के साथ हमारा एंटोनिम्स खत्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ। तो पहला है, क्या क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। तो पहला इडियम है अ डैम्प स्क्विब। तो डैम्प स्क्विब का मतलब क्या है, कि जैसे आप कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, बहुत एक्साइटिंग सा कुछ होगा, पर अंत में आपको वो नहीं मिलता है, आप डिसअपॉइंटेड होते हो, आप निराश होते हो कि जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ये होता है कि अ डैम्प स्क्विब, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम के लिए आप बहुत प्रिपेयर किए हो पूरे साल भर, आप बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो कि हाँ मेरा एग्जाम इतना अच्छा जाएगा, मेरे को 180 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अचानक से आपका ऐसे वेंडर चेंज हो जाता है और क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग आ जाते हैं, तो आप पूरा निराश हो जाते हो। ऐसे जाके जीके के क्वेश्चंस देखते हो कुछ जिंदगी में कभी आपने पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। तो ये पेपर आपके लिए टर्न आउट क्या हो गया, अ डैम्प स्क्विब, ठीक है। समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज नॉट एज एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, ओके। या तो कोई मूवी आप बहुत एक्साइट मतलब सोच के गए इतनी अच्छी मूवी होगी, ट्रेलर से बहुत अच्छा लगा, और मूवी थिएटर में जाके क्या दिखा आपको, एकदम बकवास सी कोई मूवी निकली, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं, उस चीज़ों को बोलते हैं अ डैम्प स्क्विब, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, जितने भी सारे ऑप्शन हैं सबसे क्लोजेस्ट है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अगला इडियम है इंट कोल्ड ब्लड। ये हम बहुत सुनते हैं कि अगर आप कोई डिटेक्टिव नॉवेल वॉवेल पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो, तो जैसे बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो इन कोल्ड ब्लड मतलब बिल्कुल मतलब क्या बोले, निर्दयता से कोई काम करना, कि विदाउट फीलिंग और मर्सी, एकदम रूथलेस, तो इन चीज़ को बोलते हैं इंट कोल्ड ब्लड। तो देखिए जितने भी सारे वर्ड है, अगर आप इन दो वर्ड्स को देखो, एंग्रीली और डिलिबरेटली, तो एंग्रीली और डिलिबरेटली में कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आप एक चीज़ ध्यान दो, कोई काम रूथलेसली किया जा रहा है, मतलब विदाउट एनी मर्सी, मर्सीलेसली किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से में आके ही वो काम कर रहा है, ठीक है। वो उनके हैबिट भी हो सकता है, उनको मज़ा भी आ रहा हो सकता है कि मर्सीलेसली किसी के साथ बिहेव करने में, तो एंग्रीली इसका सटीक आंसर नहीं होगा, डिलिबरेटली इसका आंसर होगा। डिलिबरेट का मतलब है कि जानबूझ के करना, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ बट फिर भी कर रहा है, तो इस चीज़ का मीनिंग होता है डिलिबरेटली। तो सही आंसर इसका होगा डिलिबरेटली, ठीक है। एक्साइटेडली और स्लोली तो सीन में ही नहीं है, इसका आंसर होगा डिलिबरेटली, ओके।
अगला idiom है to take someone for a ride. तो इसको आप मतलब proper भाषा में मत लीजिएगा कि आपको आप किसी को घुमाने ले जा रहे हो. तो देखिए पहला option ही उन्होंने दे दिया to give a ride to someone. तो obviously इतना easy सा idiom कोई question में देगा नहीं, और ऐसे इतना easy सा idiom जिन्होंने ये बनाया होगा पहली बार जिन्होंने, तो वो भी ऐसे बनाएंगे नहीं. ठीक है, to take a ride for to take someone for a ride का मतलब है कि to deceive someone, किसी को धोखा देना. ठीक है, to con, con करना. तो टू डिसीव समवन, धोखा देना, इसका मतलब है टू टेक समवन फॉर अ राइड. तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका, बी, टू डिसीव समवन. ठीक है, अगला वर्ड है टू मूव हेवन एंड अर्थ. ठीक है, टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए मैं दुनिया जहां हिला दूंगा एकदम, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि आप कुछ मतलब जैसे आप चाहते हो कि आपके अगले साल का एसएससी सीजे निकल जाए. तो जो बंदे अभी पढ़ रहे एकदम अच्छे से, एकदम सीरियसली पढ़ रहे, एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जितना सारा किताब पढ़ सकते, जितने सारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं तो पढ़ रहे. तो ये चीज़ होता है कि टू मूव हेवन एंड अर्थ, कि टू वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग. ठीक है, बहुत मतलब मेहनत करना, टू ट्राई एवरीथिंग. तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कि हाँ अपने तरफ से एकदम फुल एफर्ट दे रहा है बंदा. तो इस चीज़ को बोलते to move heaven and earth. अगला है टू स्मेल अ रैट. ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड एडियम में बहुत यूज किया जाता है. टू स्मेल अ रैट मतलब है कि संदेह होना. ठीक है, कोई संदेहजनक स्थिति, संदेह होना. टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू सेंस दैट समवन हैज कॉस्ट समथिंग रॉन्ग. ठीक है, किसी पर संदेह होना या किसी स्थिति पे संदेह होना. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी सारे ऑप्शन है, देखिए कन्फ्यूज करने के लिए टू सी अ रैट, टू चेज अ रैट जैसे दिया हुआ है, क्योंकि रैट वर्ड है. तो ये सब आंसर नहीं है. आपको एडियम का प्रॉपर मीनिंग पता हो तभी आप ऐसे क्वेश्चन मार्क करना. तो इसका आंसर है टू बी सस्पिशियस. अच्छा, अब हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस. तो क्या पूछा गया है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम. ठीक है, तो टोम पे जो इंस्क्रिप्शन, जैसे सोचिए कोई राजा महाराज है, ठीक है, उनका देहांत हो गया, तो उनके बेटे ने आके उनकी अच्छाई, उनके जो मतलब उन्होंने जो महान कार्य किए हैं उनके लिए मतलब किसी टोम पे वहाँ पे लिखा गया. ठीक है, तो यही क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसका सिंगल वर्ड क्या होता है इंग्लिश में. तो हम एक एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं. एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब है कि जासूसी, द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइस. ठीक है, जासूसी करने को बोलते हैं एस्पियोनेज. एपिलॉग का मतलब होता है जब आप किताब पढ़ते हो, ठीक है, नॉवेल वगैरह पढ़ते हो या कोई प्ले देखने जाते हो थिएटर में, तो जो एक कंक्लूजिंग वाला इवेंट होता है या जो कंक्लूडिंग वाला पेज होता है उसको बोलते हैं एपिलॉग. ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं उपसंहार. एपिटाफ का मतलब है अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटेन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड, स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोमस्टोन. तो यही इसका सही आंसर होगा. एलिजी का मतलब है अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, कि जैसे किसी का देहांत हो गया तो उनके बारे में लिखा गया कुछ पोएम है. ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि किसी मतलब कहीं पे इंस्क्राइब किया गया हो, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा आपका. यहाँ पे प्रॉपर आंसर होगा एपिटाफ. ठीक है, फीलिंग इन साइड यू विच टेल्स दैट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, कि हमारे अंदर से एक फीलिंग आता है कि जिससे हमको फील होता है कि हाँ ये मैं काम जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ. तो इसके लिए वन वर्ड पूछा गया है. देखिए क्लेवरनेस तो होगा नहीं, क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई. चतुराई से आप कभी ये नहीं सोचते हो कि वो सही है कि गलत है, हाँ आप चालाकी कर रहे हो. फियर होगा नहीं, डी ए और डी तो होगा नहीं. ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड से आपका कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस बहुत ही क्लोज वर्ड है. अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो आप गलत इसको कर सकते हो. तो दोनों का मीनिंग थोड़ा देख लेते. कॉन्शियंस वर्ड का मीनिंग है वो इनर फीलिंग जो बताता है आपको कि क्या गलत है क्या रॉन्ग है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं विवेक. ओके, और कॉन्शियस का मतलब है कि होश में होना, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक और अवेयर, कि मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है क्या चल रहा है उसके बारे में सही से पता होना, वो चीज को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना. तो यहां पे सही आंसर होगा कॉन्शियंस. ठीक है, कॉन्शियंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कोई जेल में है, किसी टर्म्स या कोई मतलब शर्त देके उनको छोड़ा गया है कि जाइए आप कुछ दिनों के लिए, टेम्पररीली उनको बाहर निकाला गया है पर किसी शर्त के मुताबिक. ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है, पैरोल. तो पैरोल का यही मीनिंग होता है द रिलीज ऑफ ए प्रिजनर टेम्पररीली, किसी स्पेशल पर्पस या कुछ हो गया उसके फैमिली में, किसी को मेडिकल सिचुएशन हो गया है तो इसीलिए उनको टेम्पररीली रिलीज किया जाता है
या तो परमानेंटली भी रिलीज कर सकते हैं, बट ऑन द प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर और ऑन सर्टेन कंडीशंस, या आप ये फॉलो करोगे तभी हम आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पार्ले। तो पार्ले है कि कोई ऑपोजिट साइड्स है, कि जैसे युद्ध हो रहा है, ठीक है, अब बहुत दिन हो गया युद्ध किए, अब उनके बीच में कोई डिस्कशन होने वाला है कि चलो बैठते हैं साथ में और डिस्कस करते हैं कि अब तो फाइट नहीं कर सकते, बहुत दिन हो गया, अब लॉस हो रहा है दोनों साइड का, चलो आपस में बैठ के आर्मिस्टिस एक साइन कर लेते, ट्रीटी साइन कर लेते, तो इसको बोलते हैं पार्ले, ठीक है, कॉन्फ्रेंस विद द ऑपोजिंग साइड टू डिस्कस टर्म्स। अगला वर्ड है पार्डन। देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। पार्डन का मतलब है बिल्कुल ही माफ कर देना, ठीक है, टू द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग और बीइंग फॉरगिवन फॉर एन एरर और ऑफेंस, क्षमा कर देना, तो इसका वर्ड, इसका मतलब होता है पार्डन। तो क्षमा में आप कोई कंडीशन नहीं रख रहे हो, आप उसको समझ में आ गया कि गलती है, बट आप ऐसे ही बोल रहे हो चलो ठीक है मैं माफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला इसका सटीक आंसर नहीं होगा। एक्विटल का मतलब होता है कि किसी को दोषी ठहराया जा रहा है बट प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है, तो जज बोल देता है कि हाँ ये गिल्टी नहीं है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बरी, जैसे बोलते हैं ना बाइज्जत बरी करना, तो वही चीज होता है एक्विटल। तो इसका सही आंसर होगा पैरोल, ठीक है, एक्विटल आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि एक्विटल वो जेल गया ही नहीं है, उसका जो क्राइम है वो साबित हुआ ही नहीं है। पार्डन आपका नहीं होगा क्योंकि पार्डन विदाउट कोई कंडीशन आप उसको क्षमा कर रहे हो, तो पैरोल होता है कि किसी कंडीशन या टर्म्स के बेसिस पे उसको जेल से छूट देना, ओके, तो इसका सही आंसर होगा पैरोल। अगला है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, देखिए वर्ड्स देख लेते हैं हम इनमें से। एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया मतलब हिंदी में सिंपली अमृत, तो बहुत अच्छा या टेस्टी कुछ, बहुत ही प्लीजिंग खाना या ऐसा कुछ है, ठीक है, देवता जिन्हें खाते थे वो है एम्ब्रोसिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, कि पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति हानि। इंसोम्निया का मतलब होता है कि बहुत दिनों से सो नहीं पा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, रात जग जग के आपका हैबिट हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं इंसोम्निया, हैबिचुअल स्लीपलेसनेस और द इनएबिलिटी टू स्लीप, अनिद्रा, ठीक है। फॉरगेटिंग का मतलब है भूल जाना, तो फॉरगेटिंग आप लॉस ऑफ मेमोरी में नहीं लिख सकते। देखिए जानबूझ के ऑप्शन दिया गया है कि फॉरगेटिंग दिया है, बट फॉरगेटिंग आपका लॉस ऑफ मेमोरी नहीं है, फॉरगेटिंग आप कि स्मृति हानि नहीं, याददाश्त नहीं गया है, आप बस ऐसे ही कुछ चीज भूल गए हो, कहीं पे रखा था भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, बट एमनेशिया इसका प्रॉपर आंसर होगा, सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है आपका एमनेशिया, ठीक है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, आप मेहनत किए जा रहे हो, ठीक है, बट कोई उसका हेल्प नहीं निकल रहा है, आप कुछ सटीक मतलब कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है, बस मेहनत किए ही किए जा रहे हो, तो इस चीज का पूछा गया है, तो वन वर्ड इसका आंसर होगा फ्लॉन्डर, ठीक है। फ्लॉन्डर का मतलब होता है स्ट्रगल और स्टैगर हेल्पलेसली, मतलब बहुत ही एक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मतलब संघर्ष करना जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। फाउंडर का मतलब आपको पता है कि किसी चीज का स्थापना जो करता है, संस्थापक, तो उसको बोलते हैं फाउंडर। फंबल का मतलब होता है कि घर बनाना, ठीक है, कि जैसे हाथ से आप कोई सपोज प्लेट और कप लेके जा रहे हो और आपका हाथ कंटिन्यूअसली कांप रहा है, ठीक है, या तो आप उसको इधर गिरा रहे हो, कोई चीज़ इधर गिरा रहे हो, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फंबल करना। तो यूज़ द हैंड्स क्लमजिली वाइल डूइंग और हैंडलिंग समथिंग, मतलब टटोलना, ठीक है। फिंगर का मतलब है फिंगर का किसी चीज़ में यूज़ करना, ठीक है, उसका वर्ब होता है फिंगर, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका फ्लॉन्डर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इधर खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस के लिंक दिया गया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। हम डेली ऐसे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपके पास लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपको वोकैब में स्ट्रांग होना है, तो ओवर द टाइम जैसे आप एक महीना दो महीना फॉलो करोगे, तो बहुत सारा वर्ड्स आपके स्टॉक में आ जाएगा, आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा वोकैबुलरी सेक्शन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली जिनका वोकैबुलरी बहुत वीक है या जो एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं नए तरीके से, या जो एग्जाम देने वाले एसएससी सीजीएल आने वाला, उनको भी आप शेयर कीजिए एकदम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज इसी के साथ हमारा वीडियो हम खत्म करते हैं।